नोटबंदी के बाद आयकर विभाग ने 15 लाख लोगों को नोटिस जारी किए हैं, जिसमें से 50% लोगों के रिस्पॉन्स आ गए हैं। जिन 50% लोगों के रिस्पॉन्स नहीं आए हैं, उस पर आयकर विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस समय मेरे साथ हैं आयकर विभाग के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर कैलाश चंद जैन, इनसे जानते हैं कि विभाग क्या कार्रवाई कर रहा है। आप जानते हैं कि लगभग 15 लाख लोगों को विभाग ने एसएमएस के जरिए और ईमेल के जरिए यह सूचना दी थी कि उनके अकाउंट में कैश डिपॉजिट हुआ है, और जो भी इसके संदर्भ में वो अपना उत्तर भेजना चाहते हैं वे भेज सकते हैं। लगभग आधे केसेज में विभाग को इन टैक्सपेयर्स के या इन सिटीजन्स के उत्तर प्राप्त हुए हैं और उनको सेपरेटली हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। जिन आधे लोगों के बारे में कोई भी जवाब नहीं मिला, उनको विभाग ने फर्दर एनालाइज किया है, और एक पहली खेप के तौर के ऊपर जिन जिन अकाउंट्स में 15 लाख रुपए से ज्यादा पैसे जमा हुए थे और जिन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया, उनको सभी सभी क्षेत्रों के अंदर कंसर्न आयकर अधिकारियों के पास भेज दिया गया है और उस पर हमने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। इसमें भी हम दो स्तर के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। पहले स्तर के ऊपर तो हम इन सबको नोटिसेज फिर भेज रहे हैं एक पत्र के माध्यम से कि आप अभी भी अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं कि ये पैसा आपके अकाउंट में किस प्रकार से जमा है, और जो भी उनका उत्तर आएगा उस उत्तर को एनालाइज किया जाएगा और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई निर्धारित की जाएगी। परंतु साथ ही इनके उत्तर का इंतजार किए बगैर, क्योंकि एक अवसर तो उनको पहले दिया ही जा चुका है, हमने सर्वे की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी है, और इस सर्वे की कार्रवाई के द्वारा हम उनका उत्तर जानने का प्रयास कर रहे हैं। जहां पे हमें लगता है कि उनका उत्तर संतोषजनक है, वहां किसी कार्रवाई की आगे अपेक्षा नहीं है, और जहां उत्तर संतोषजनक नहीं है तो वहां पर हम उनको इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत टैक्स जमा करने के बारे में कह रहे हैं, और जिसका बहुत सुंदर रिस्पॉन्स भी हमें मिल रहा है। जैन साहब, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश, कितने केसेस टोटल हैं जिनको आपने नोटिस जारी किया है या जिन पर कार्रवाई कर रहे हैं, और कोई ऐसी भी ट्रांजैक्शन मिली है जो बेनामी हो? नॉर्थ वेस्ट रीजन में करीब 15,000 केसेस की हमें सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें 15 लाख से ज्यादा की राशि जमा है और जिन्होंने पहले नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है। इन सबको दोबारा एक बार हमने पत्र भी भेज दिया है, और पिछले दो दिनों में लगभग 40 से अधिक केसेस के अंदर हमने सर्वे की कार्रवाई भी की है, और इसमें तीन तरह की सूचनाएं हमारे सामने आई हैं। पहले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि इसके ऊपर उन्होंने टैक्सेस नहीं दिए थे और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत उन्होंने आने की अपनी इच्छा जाहिर की है और टैक्सेस पे कर रहे हैं। दूसरे इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि साहब, वो अकाउंट तो उनका है परंतु ये पैसा उन्होंने जमा नहीं करवाया, किन व्यक्तियों ने इस पैसे को जमा करवाया उसकी जानकारी उन्हें नहीं है। ऐसे अकाउंट्स को बेनामी अकाउंट्स की संज्ञा दी जा सकती है और उसी के अनुसार से उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तीसरे ऐसे अकाउंट्स भी हैं कि जिनका कोई भी एक्सप्लेनेशन ऑफर नहीं हो रहा है, जिनकी कोई ठोस जानकारी जिनके पास उपलब्ध नहीं है, तो उन पर भी जैसी जैसी अपेक्षित कार्रवाई है वो की जा रही है। परंतु यह हमारा इरादा है कि जितने भी ये 15,000 अकाउंट हैं, या तो पत्र के उत्तर के अंदर वो कोई संतोषजनक रिप्लाई दे देंगे और जिसको कि आयकर आयुक्त के स्तर के ऊपर एग्जामिन किया जाएगा कि उसको स्वीकार किया जाना चाहिए या ना स्वीकार किया जाना चाहिए, या फिर हम जो भी अपेक्षित कार्रवाई है आयकर एक्ट के अंतर्गत वो कार्रवाई हम करेंगे, और यह कार्रवाई ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। लगभग 1,000 व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर इस कार्रवाई में लगे हुए हैं, जिसमें करीब 400 अधिकारी हैं और उनके साथ उनके स्टाफ के लोग हैं, और प्रतिदिन बहुत से ठिकानों के ऊपर हम लोग यह कार्रवाई कर रहे हैं पूरे नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर। जैन साहब, आपने 40 संस्थानों पर सर्वे किए हैं, इस दौरान किन नेचर के केस पाए गए हैं? जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि तीनों ही तरह के नेचर के केस आए। बहुत से केसेस, अधिकतर केसेस तो ऐसे थे जिन्होंने कहा कि उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते और उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर आने के अंदर अपनी इच्छा जताई, जिसका अवसर उन्हें दिया जा रहा है। कुछ केसेस ऐसे सामने आए जिन केसेस के अंदर उनको मालूम ही नहीं है कि यह पैसा किस व्यक्ति ने उनके अकाउंट में जमा करवा दिया, तो उसके ऊपर बेनामी एक्ट के तहत जो कार्रवाई की जानी चाहिए
उस को एग्जामिन किया जा रहा है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे व्यक्ति आए हैं जिन्होंने अलग अलग तरह के उत्तर दिए हैं कि साहब जिस कोई पेट्रोल पंप है या कोई मेडिकल स्टोर है तो उसको भी एग्जामिन किया जा रहा है कि साहब वो पैसा केवल सेल का था या दूसरा कैश का जमा था। जहां उत्तर संतोषजनक मिलेगा उसको हम निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे, और जहां संतोष नहीं होगा, जब वहां कार्रवाई की अपेक्षा होगी तो वो कार्रवाई की जाएगी। तो तीनों तरह के केसेज हमारे सामने आ रहे हैं। ऐसे बहुत से केसेज आ रहे हैं कि जिनके अकाउंट में जिनकी इनकम टैक्स की रिटर्न केवल 1 लाख रुपए की थी, या कई सालों से जिनके अकाउंट में एक नॉमिनल अमाउंट था और सडनली उनके अकाउंट में 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया जमा हो गया है, तो निश्चित रूप से ऐसे अकाउंट्स के अंदर अधिक छानबीन की आवश्यकता है और वो कार्रवाई की जा रही है। ऐसे बहुत से अकाउंट आ रहे हैं जहां एकदम से सडनली बहुत अकाउंट बहुत पैसा जमा हुआ है। जैन साहब, आयकर विभाग जो है, जो आपके सामने अकाउंट आ रहे हैं, अगर कोई आपसे हेल्प लेना चाहे, अपने अकाउंट को सही करना चाहे, तो आयकर विभाग कोई उनको हेल्प वगैरह करेगा? बिल्कुल निश्चित रूप से, जैसा कि कहा, मैंने कहा कि हमारी अप्रोच बिल्कुल प्रोफेशनल है। पहले हमने एसएमएस और ईमेल के जरिए मैसेज भेजे, अब दोबारा उनको हमने पत्र भेजा गया है। वे अपने संबंधित आयकर अधिकारी से संपर्क स्थापित करें, किसी भी आयकर कार्यालय में जाएं और वहां का आयकर अधिकारी उनको इस बात का सहयोग प्रदान करेगा। वे आयकर आयुक्त तक भी किसी से चाहें तो वो निश्चित रूप से आपसे मिलेंगे और आपको जो भी इस बारे में सलाह की अपेक्षा होगी, जो भी इस बारे में सहयोग की सहायता की अपेक्षा होगी, वह निश्चित रूप से प्रदान की जाएगी। जैन साहब, आपने कहा कि 50% जो हैं उनके रिस्पॉन्स आए हैं और 50% जो है जिनके रिस्पॉन्स नहीं आए हैं। अगर आपके चेतावनी देने के बाद भी अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तो आयकर विभाग क्या सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकता है? हमारी कार्रवाई, जैसा मैंने आपसे कहा कि प्रारंभ हो चुकी है, सर्वे एक्शन तो हम शुरू कर ही चुके हैं। अगर कहीं लगेगा कि सर्च की अपेक्षा है तो वो भी किया जाएगा। तो आयकर एक्ट के अंतर्गत जो भी प्रावधान है और जो भी उसमें प्रदत्त शक्तियां हैं, जो भी उसमें पावर्स दी गई हैं, उनके अंतर्गत जिस भी कार्रवाई की अपेक्षा होगी उस तो केस के ऊपर निर्भर करेगा कि किस तरह का केस है, वो जो भी अपेक्षित कार्रवाई है वो की जाएगी। कोई भी केस हम छोड़ेंगे नहीं। जैन साहब, आयकर विभाग ने इस साल का कितना टारगेट रखा है? हमारा टारगेट तो ये है कि जितने भी कैश डिपॉजिट्स के अकाउंट्स हैं उन सब के पास हमें पहुंचना है, बस वही टारगेट है हमारा। तो जैसा मैंने कहा कि एक पहली खेप के रूप में 15,000 केसेस नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर हमें मिले हैं जिनमें 15 लाख रुपए से ज्यादा का पैसा जमा है। तो उस पहली खेप को हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद जो दूसरे अकाउंट बचेंगे, या वो जिन्होंने पहले 7.5 लाख अकाउंट्स के अंदर जवाब दिया था लेकिन जवाब जिनका सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो जाना तो हमें सभी के पास है, तो कार्रवाई तो हम सभी में करेंगे। जैन साहब, जो आयकर विभाग राजस्व इकट्ठा करने के लिए 9,80,000 करोड़ के करीब राजस्व का लक्ष्य रखा है, तो कितना किस समय पूरा हो जाएगा उम्मीद की जा सके? 9,80,000 करोड़ का टारगेट तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 का है। इस साल का टारगेट तो लगभग 8.5 लाख करोड़ का है भारत सरकार का, और वो विभाग इस बारे में आश्वस्त है कि वह टारगेट हमारा पूरा हो जाएगा। ये थे मेरे साथ कैलाश चंद जैन। इनका कहना है कि आयकर विभाग ने उन सभी खाताधारकों को नोटिस जारी कर दिया है जिनका अमाउंट 15 लाख से ऊपर जमा था, और इसमें से 50% के रिस्पॉन्स आए हैं और 50% के अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आए। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आयकर विभाग किसी भी तरह उनको बख्शने वाला नहीं है, और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अभी भी वक्त है, वो समय पर अपना जवाब दे सकते हैं। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।